सुशांत केस में नया मोड़, नेपोटिज्म से हटा सुशांत के, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच अनबन, मुंबई पुलिस कर रही बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, सुशांत राजपूत की आत्महत्या में नया मोड़ आ गया है। यह पूरा मुद्दा नेपोटिज्म से डाइवर्ट हो चुका है। दिन प्रतिदिन इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जब से सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, मामला उलझता जा रहा है। के सिंह के FIR दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम सुशांत केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची, लेकिन वहां पर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। खबरें ऐसी आ रही हैं कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का इस केस में सहयोग नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। पहले से ये खबरें सामने आ रही थी कि मुंबई में बिहार पुलिस की टीम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हालात यहाँ तक खराब हैं कि मुंबई पुलिस ने बिहार की टीम को एक गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई और वो ऑटो में जाकर जांच कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पत्रकार बिहार पुलिस की टीम के अधिकारी से जांच के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं और मुंबई पुलिस के बिहार पुलिस के अधिकारी को धकियाते हुए ले जा रहे हैं। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस एक्सपोज्ड ट्रेंड कर रहा है। फैंस लगातार बिहार पुलिस को धन्यवाद कहते दिख रहे हैं। वहीं इस वीडियो के बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बिहार पुलिस टीम को लेकर चिंता जताई है। चार पुलिसकर्मी अपने राज्य से अलग राज्य गए हैं, महानगर में गए हैं, जहां पर जहां का इतिहास रहा है कि आतंकवादी हमला हुआ है, बड़े बड़े गैंग जो इंटरनेशनल लेवल पर है वहां पर सक्रिय रहे हैं अतीत में, और ये मामला भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे मामले आते हैं लोगों का सुनने में, न्यूज में सब में आते रहता है कि वहां के फिल्म इंडस्ट्री का भी तार कहीं ना कहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल गैंग से जुड़ा होता है, और इसमें फिल्मी एक्टर हीरो जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके भी आज के डेट में जो हत्या या आत्महत्या हुआ जाँच का विषय है, वो मामला हाई प्रोफाइल है। इसके पीछे कौन कौन है वो तो जाँच में सामने आएगा। इस सारे बिंदु को देखते हुए और साथ ही वहाँ के पुलिस का सहयोग सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑटो से घूम रहे, इस सारे बिंदु को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर वैसे पुलिसकर्मी अगर इस फ्रीडम में रहेंगे, ऐसे ऑटो पर घूमेंगे तो जान पर खतरा निश्चित है, स्वाभाविक है, हर इंसान का जान पर खतरा हो तो पुलिसकर्मी किसी गंभीर मामले की जाँच में गए हैं तो निश्चित तौर पर जान पर खतरा का आभास अंदेशा सब किसी को हो सकता है। आपको बता दें कि यह मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी सुशांत केस की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। सुशांत की बहन श्वेता ने भी PM मोदी को ओपन लेटर लिखकर इस केस की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं सुशांत के फैंस लगातार इस केस में CBI जांच की मांग करते आ रहे हैं। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी थी। सूत्रों से पता चला था कि सुशांत करीबन एक साल से डिप्रेशन में थे। देखते हैं आखिर आगे इस केस में क्या होता है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।